आदाब, पेश है कुव्वती समाज से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अफ्रीका और यूनान के चार रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के पहले पड़ाव पर वज़ीर आज़म जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त तक रहेंगे, जिस दौरान वो 15वीं ब्रिक्स सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। वाज़ियारे साल 2019 के बाद ब्रिक्स समिट पहली बार आमने सामने हो रहा है। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि समिट में वज़ीर आज़म की शिरकत से मेंबर ममालिक के दरमियान एक नया राबता कायम होने के अलावा तरक्की के मजीद वसाइल भी पैदा किए जाएंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म यूनान के अपने हम मनसब की दावत पर 25 अगस्त को इस मुल्क का दौरा करेंगे। ये पहली बार है कि गुज़श्ता 40 साल के दौरान भारत का कोई वज़ीर आज़म यूनान के दौरे पर जा रहा है। श्रीनगर में आज से पंचायत राज और गुड गवर्नेंस पर तीन रोज़ा कौमी वर्कशॉप शुरू हुआ। वर्कशॉप का इफ्तिताह पंचायत राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, वजीर ममलिकत और एलजी मनोज सिन्हा ने किया। इफ्तिताही रस्म में मरकजी वजीर वर्चुअल मोड के जरिए शामिल रहे। वर्कशॉप से पंचायत राज के मरकजी वजीर ममलिकत कपिल मोरेश्वर पाटिल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके मुशीर आर भटनागर के अलावा पंचायत राज महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी ने खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि अगरचे मुल्क में कई बार गरीबी हटाओ, गांवों को साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता बनाओ के नारे दिए गए, लेकिन बुनियादी सतह पर इस तरफ ध्यान देकर कोई भी काम अंजाम नहीं दिया गया और मुल्क गरीबी और पसमानदगी की ओर जाने लगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरस से मुल्क में पंचायत राज निज़ाम को जो मजबूती मिली है, उसके बलबूते पर हर एक काम पूरा होते हुए देख सकते हैं। एलजी ने कहा कि शहरी और देही इलाकों में जो खाई पैदा हुई है, उसको कम करने की जरूरत है। उन्होंने पंचायत मेंबरान को इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के बदलाव में अपना भरपूर तआवुन पेश किया और यह भी ताकीद की कि आवामी कामों को तेज रफ्तारी के साथ पूरा किया जाए ताकि उनका भरपूर फायदा आवाम को हासिल हो सके। एक बेमिसाल इकदाम के तहत मरकजी हुकूमत ने 3 लाख मेट्रिक टन के इब्तदाई खरीदारी हदफ को हासिल करने के बाद इस साल प्याज के बफर की मकदार बढ़ाकर 5 लाख मेट्रिक टन कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा उमूरी सार्फी ने नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को हिदायत दी कि वह इजाफी खरीदारी के हदफ को हासिल करने के लिए 1-1 लाख टन की खरीदारी के साथ साथ बड़े मराकज में खरीदे गए स्टॉक को कैलिडिडेटेड डिस्पोजेबल करें। अमूरी सार्फीन की वजारत ने कहा कि बफर से प्याज को ठिकाने लगाना शुरू किया गया है और इसके तहत अब तक बफर से तकरीबन 1400 मेट्रिक टन प्याज को हदफशुदा बाजारों में भेजा गया है और दस्तियाबी को बढ़ाने के लिए इससे मुसलसल जारी रखा जा रहा है ताकि कीमतों में मजीद कमी आ सके।
चंद्रयान 3 खलाई जहाज के लैंडर मॉड्यूल को चांद के करीब लाने के लिए दूसरे मरहले को आज सुबह सवेरे कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया, इसरो ने एक ट्वीट में कहा। कि लैंडर मॉड्यूल विक्रम मामूल के मुताबिक काम कर रहा है और ये मदार में पहुंच गया है। इसरो ने मजीद यह भी बताया कि लैंडर में एक रोवर नसब है और ये बुध के रोज शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के दरमियान कुतुब जनूबी के नजदीक चांद की सतह पर उतरेगा। दूसरी जानिब चांद पर जाने वाले पिछले 50 साल में रूस के पहले लैंडर लोना 25 को कल मदार में दाखिल होना था, लेकिन किसी खराबी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। श्रीनगर में कल से 13वीं जिला सतह की टाइकांडो चैंपियनशिप मल्टीपर्पज इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में शुरू हुई। चैंपियनशिप माई यूथ प्राइड के तहत मुनक्कद की जा रही है। मर्द और खवातीन जोनों में कैडेट्स और सब जूनियर खिलाड़ियों ने इब्तदाई दिन अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस चैंपियनशिप में जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले स्कूलों और क्लबों से 150 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप की इब्तदाई तकरीब पर महकमा जंगलात और खेलों के अंडर सेक्रेटरी बतौर मेहमान खसूसी शरीक रहे। उन्होंने टाइकांडो चैंपियनशिप को मुनक्कद करने पर जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर की खसूसी तलाशी टीमों ने आज जिला बड़गाम में ईंट के दर्जनों भट्टों पर छापा मारा। ये भट्ठे जीएसटी महकमे के साथ गैर रजिस्टर्ड शुदा पाए गए और इस तरह ये भारी टैक्स वाजिबात से बच रहे थे। इनमें से बेशतर जिला इंतजामिया से लाइसेंस हासिल करने के बगैर काम कर रहे थे। इस छापामार कार्रवाई की निगरानी महकमे के एडिशनल कमिश्नर शकील मकबूल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भट्टा मालिकान को हिदायत दी कि वह जिला इंतजामिया और जीएसटी महकमे के साथ अपने भट्ठों को रजिस्टर करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह अपने रिटर्न्स को बाकायदगी से फाइल करें। इसी दौरान एडिशनल कमिश्नर ने खसूसी तलाशी टीमों को हिदायत दी कि गैर कानूनी तौर चलाए जाने वाले ईंट भट्ठों के मालिकान के खिलाफ मुहिम को जारी रखा जाए और बगैर लाइसेंस के भट्ठा मालिकान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।